أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक से आज की शेरी व अदबी एजाज़ी नशिस्त का आगाज़ हुआ। हमारे दरमियान आज की इस नशिस्त के सदर मौसूफ़ आली जनाब निदा फारूक़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पर आ जाएं। इसी तरह आज की इस नशिस्त के सरपरस्त आली जनाब यहया अब्दुल जब्बार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी डाइस पर आ जाएं। इसी तरह इस नशिस्त की शमा फरोज़ी की ज़िम्मेदारी जिस शख्सियत के ज़िम्मा है, मेरे मुराद जनाब अज़रुद्दीन जुफिटर साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर आ जाए। या भाई आ जाए। आली जनाब यहया अब्दुल जब्बार साहब के हाथों आज की इस शेरी व अदबी नशिस्त का इफ्तिताह होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि आप डाइस पर आ जाएं, अज़रुद्दीन अज्जू भाई भी डाइस पर आ जाएं, ताकि जल्द से जल्द इस नशिस्त का आगाज़ किया जा सके। इसी तरह मैं जनाब इकबाल नज़ीर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी अंदर हॉल में आ जाएं, तो आपकी सरपरस्ती आपकी निगरानी हमें मिलती रहेगी, तो ये नशिस्त जो है अपनी कामयाबी की जानिब रवा दवा होगी। आज की इस नशिस्त में जनाब इरफान नदीम साहब, रईस सितारा साहब, जनाब आज़ाद अनवर साहब, इमरान समी साहब, मलिक मंज़र, नदीम ज़फ़र, इस्माइल याराना, जनाब अब्दुल रशीद मुजद्दीदी साहब और भी अशफाक याराना और भी जितने साथी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, जिनका मैंने नाम लिया जिनका नाम भूल गया हूँ, मैं तमाम का ही इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह क्या नाम है उनका, अब्दुल सत्तार ज़फ़र साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज जनाब मकबूल शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आए हुए तमाम ही मेहमानान का, सामईन का, शुरा इकराम का, मुशायरा कमेटी की जानिब से, नशिस्त के ज़िम्मेदारान की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन, जैसा कि हमारी अपनी रवायत है कि हम हमारी किसी भी तकरीब किसी भी प्रोग्राम को बेहतर तरीके से अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी सदर का इंतखाब कर लेते हैं, ताकि वो प्रोग्राम बेहतर तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज की ये नशिस्त ज़ाहिरन बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है, लेकिन इस नशिस्त के जो मकासिद हैं वो बहुत आला है। आज की इस नशिस्त में हमें सबसे पहले तो साहब एजाज़ आली जनाब जमील अख्तर ज़ैदपुरी साहब का एजाज़ करना है, जो हमारे मेहमान हैं, जिनका ताल्लुक़ यूपी की सरज़मीन से है। जैसे कि 22 तारीख को हमारे अपने शहर में एक मुशायरा हुआ था, उन मौसूफ़ ने उस मुशायरे में बड़ी अच्छी निज़ामत की और हमारे अपने शहर से उनका देरीना ताल्लुक है, तो वो अभी हमारे दरमियान है, आज कल में रुख्सत होने वाले हैं। इसलिए जनाब यहया अब्दुल जब्बार साहब ने इस मौके को गनीमत जानते हुए आज की इस नशिस्त का इनेकाद किया और इस नशिस्त में उनका एजाज़ रखा, तो उनका एजाज़ करना है। जनाब मुस्तफ़ा बरकती सर तशरीफ़ लाए, आरिफ नूरी साहब तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह चंद इस्तकबाल और भी आज की इस नशिस्त में है।
जिनमें जनाब इकबाल नज़ीर साहब, रईस सितारा साहब, निदा फारूकी साहब, रमज़ान मक्की साहब और कलीम अहमद कलीम साहब, ये वो अहबाब हैं जिन्होंने 22 तारीख को जो मुशायरा हुआ वहाँ पर मेहमानान को ट्रॉफ़ी और सिपासनामा वगैरह दिया गया। तो जो सिपासनामा जिन हजरात ने तहरीर किया था उनकी हौसला अफजाई के लिए या उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज की इस नशिस्त में उनका भी इस्तकबाल किया जाना है। मैं चाहता हूँ कर देने का, शुरू कर देने का। तो ये मुख्तसरन सी जो रुदाद मैंने आपके दरमियान पेश की, इससे कबल कि मैं नशिस्त का आगाज़ करूँ, चूँकि मुझको पहले ही ये कह दिया गया था कि ऐलान बहुत याद से करना, तो वो मुझको बात याद आ गई, इसलिए मैं ऐलान ये करने जा रहा हूँ कि तमाम शुरा किराम अव्वल से लेकर आखिर तक वक्त का ख्याल रखें, और वक्त का ख्याल इस तरह रखना है कि तहत के जो शायर हैं उन्हें दो गज़ल पढ़नी है, और जो तरन्नुम का शायर है वो एक गज़ल और चंद अशार पढ़ सकते हैं। ऐसा जो है ऐलान करने के लिए कहा गया था, ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, मैं दरमियान में भी ऐलान करता रहूँगा। जनाब इरशाद हकीम साहब तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे नासिक से भी मेहमान तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। हाजरीन आइए, साजिद बाबा साहब तशरीफ़ लाए, साजिद अशरफ़ी बाबा जो कि नासिक से ताल्लुक है, मौसूफ का अदब नवाज शख्सियत है, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। हाजरीन, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि किसी भी तकरीब के बामकसद अंजाम के लिए हम सदर का इंतखाब कर लिया करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इस नशिस्त की सदारत के लिए जनाब निदा फारूकी साहब का नाम लिखा हुआ है, तो मैं बड़े ही अदब के साथ इस बहुत ही मौजिज़ नाम की और जो इस ओहदे के काबिल है, मैं जनाब निदा फारूकी साहब का नाम पेश कर रहा हूँ सदारत के लिए, और ख़ुद ही आप तमाम की जानिब से इस नाम की पुरजोर तायद व हिमायत भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने ऐसा किया कि हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा आपके दरमियान हायल भी नहीं रहूँगा, आज की इस नशिस्त में बहुत निज़ामत की कलाकारी भी नहीं दिखानी है, बस मैं सिर्फ़ इसलिए हूँ कि मैं शायर का नाम लूँगा और शायर आपके दरमियान होगा। नीचे हो जाएंगे, वो मोमबत्ती वगैरह है।